ओके, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ एल थी और जिससे मास एम लटका हुआ था, सस्पेंडेड था वर्टिकली डाउन, एक एंड उसका पाइवेटेड था। सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट इट कम्प्लीट्स द कम्प्लीट सर्कल, कम्प्लीट वर्टिकल सर्कल कम्प्लीट कर ले। मिनिमम वैल्यू बताओ कि कितनी इसको यहाँ पे स्पीड दी जाए कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। तो अभी ये क्या है यहाँ पर, ये लाइट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग स्लैग हो सकती है, ढीली हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ढीले होने के चांसेस कहाँ पर हैं, टॉप पॉइंट पर। अगर टॉप पॉइंट पर भी ज़ीरो नहीं हुई तो 100% ये सर्कल क्रॉस कर जाएगी। तो हमने वो कंडीशन यूज़ कर ली कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच के इस रस्सी में टेंशन मिनिमम ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो से ज़्यादा हुई तब तो फिर हो ही जाएगा कंप्लीट, लेकिन ज़ीरो हो ही अगर मिनिमम लिमिटिंग केस में तब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, तो स्पीड कितनी आई, रूट जी एल ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई 1 से लेके 2 तक। तो वी की जो स्पीड है वो रूट जी एल आई, ठीक है। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं, सबसे पहले हमने उसका FBD बनाया टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और नीचे टेंशन भी लग रहा होता अगर लग रहा होता तो, और MG तो नीचे लग ही रहा है, सो टेंशन को लिमिटिंग केस में ज़ीरो कर दिया। तो सेंटर की तरफ केवल एक ही फोर्स है, दैट इज़ MG। सो MG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, दैट्स वाई MG इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय L। तो V की वैल्यू यहाँ से रूट जी एल आ गई, तो V इस प्रकार से डिटरमाइन कर दिया। नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी का यूज़ करते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई 0.1 से लेके 0.2 तक। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई मास एम पर, वहाँ से फिर अपन को यू निकल के आ गया। तो ये जो यू आया है ये उस केस के लिए आया है जब टेंशन यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब यू से ज़्यादा इस जो वैल्यू आई है यू की, इससे ज़्यादा स्पीड से भी अगर उसको फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली शुरुआत में तब भी वर्टिकल सर्किट कम्प्लीट कर लेगा। तो ये तो जस्ट लिमिटिंग केस है, और उसने मिनिमम वेलोसिटी ही पूछा था तो यही आंसर हो गया। इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ताकि ये सर्किल कंप्लीट कर ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 90 डिग्री। तो सेम सिचुएशन है, बस क्या है यहाँ पर इसको फाइनली यहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए रस्सी ढीली तो होगी नहीं, जैसे अगर वर्टिकल सर्कल में ट्रैवल कर रहा है कोई भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड पार्टिकल, तो लोअर हाफ में मतलब कि इतने हाफ में देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बीइंग ज़ीरो। टेंशन ज़ीरो होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे बहुत धीरे चले या बहुत तेज चले, संभावना टेंशन होने की ज़ीरो तो कहाँ पर है, ऊपर वाले हाफ में है। और ऊपर वाले हाफ में भी तब ज़ीरो होगी जब स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, दिस इज़ लाइक कि यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाना है। सो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है ये, तो लोअर हाफ में ही ट्रैवल कर रहा है, तो टेंशन ज़ीरो होगी ही नहीं, ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचाना है इसे, तो वेलोसिटी ज़ीरो कर देना है जस्ट इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, यू की वैल्यू आ गई कितनी स्पीड देंगे अगर √2gL, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन कर लिया, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन टेंशन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ABCDE। क्या सिचुएशन थी, वही स्ट्रिंग थी और इस बार इसको √5gL की स्पीड से फेंका था। तो √5gL की स्पीड से फेंका था तो बी वाले पॉइंट पर चले, बी वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, स्पीड और टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो पॉइंट बी पर वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल दी स्पीड सबसे पहले तो, और टेंशन किस तरफ है, सेंटर की तरफ। MG एकदम परपेंडिकुलर है उस टेंशन से, यानी कि MG का कोई भी कंपोनेंट टेंशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सो क्लियरली सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय जस्ट टेंशन। सो टेंशन को इक्वल कर दिया हमने MV² / R से, बस आ गया यहाँ पे। फिर डी पॉइंट पर पहुँच गए, ऐसे सी पे पहुँच गए, ई पे पहुँच गए, सब पे सेम ही तरीके से कर दिया। फिर क्या सिचुएशन आ गई, फिर √9gL से फेंका है ना, और पूछा कि बी पे बताओ और सी पे बताओ, सेम प्रोसेस से बी और सी पर भी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक वैसी ही सिचुएशन है कि हमारे पास एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और उससे मास एम कनेक्टेड है, ठीक है, लेंथ एल है इसकी, और उसको स्पीड दी गई है √3gL।
सो फाइंड फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड अटेंड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन। ठीक है, यहाँ से इसको धक्का दिया है, रूट थ्री जी एल की स्पीड से फेंका गया इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ये जाएगा कुछ, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुँचेगा, ये सवाल है। ठीक है, एंड क्लियरली दिस इज़ नॉट रॉड, दिस इज स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये ढीली हो सकती है कहीं पे, तो ज़रा दिमाग लगाओ इसमें। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका पाथ फ्लो समझाता हूँ, उसके बाद फिर तुम स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करना। तो मैं इस क्वेश्चन का तुम्हें पाथ फ्लो समझाता हूँ, तो तुम खुद भी एंटिसिपेट कर पा रहे होगे कॉमन सेंस से कि रूट थ्री जी एल है, तो ये क्या है, ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट हुई, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, गोल गोल घूमता 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 है ना, कहीं पर पहुँचेगा वो, लेट्स से मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, और अभी भी इसके पास कुछ स्पीड है, तो अगर इसके पास अभी भी कुछ स्पीड है, ये जो रस्सी होगी, अब ये रॉड तो है नहीं कि वापस लौट के आ जाए, है ना, रस्सी हो जाएगी ढीली, तो इस पॉइंट के बाद, एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा, और फिर कैसा ट्रैवल करेगा, रस्सी ढीली हो चुकी होगी, फिर ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रैवल करेगा। तो जो नेट हाइट है, टोटल हाइट है जो हमको इस पॉइंट से निकालनी है, वो कितनी होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो दैट इज़ एल। ठीक है, मैथमेटिकली हम लेट्स से इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, है ना, कैलकुलेट करके जो निकल के आएगा, कैसे निकलेगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम से, यहाँ पे स्पीड बोल देते हैं लेट्स से वी है, यहाँ पे तो हमें पता ही है कि स्पीड रूट थ्री जी एल है, तो रूट थ्री जी एल। ठीक, तो यहाँ की लंबाई हम लिख पाएंगे यहाँ से यहाँ तक L साइन थीटा, है ना, अगर थीटा निकाल लिया किसी तरीके से तो L साइन थीटा। ठीक, तो ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट, ये हाइट भी करनी पड़ेगी, मतलब इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये थीटा होगा, और इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा होता है तो मैक्सिमम हाइट रीच जो होती है वो कैसे लिखते हैं अपन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो अल्फा कितना है यहाँ पे, अल्फा है 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी वी, यू की जगह लिखो वी क्योंकि स्पीड है यहाँ पे भी, सो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो कुल मिलाकर हमें पूरे क्वेश्चन में ये थीटा मिल जाए, अगर ये थीटा और ये वी मिल जाए, तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेट हाइट विल बी, नेट हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो होगी एल प्लस एल साइन थीटा प्लस दिस एच मैक्स। सो आंसर विल बी एल प्लस एल साइन थीटा प्लस एच मैक्स। तो कुल मिला के हमें केवल दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, दैट इज थीटा और एक वी। वी कैसे कैलकुलेट होगा, वी होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट। तो अब लगाओ ज़रा दिमाग सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई सबसे पहले, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई तो कितना डिफरेंस है, L और L साइन थीटा का डिफरेंस है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एम जी एल वन प्लस साइन थीटा, इट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम थ्री जी एल। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, कोई बताओ मुझे, एम से एम कट जाएगा, टू से ये वाली चीज़ 3gl है, तो चलो कर ही लेते हैं फटाफट सॉल्व। ये आ गया gl प्लस माइनस gl साइन थीटा
इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/2 जी एल इधर, तो 3/2 जी एल, 3/2 करेंगे। क्या बोल रहा है अक्षत? सर स्क्रोल नीचे करना है। तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2, सो 1/2 जी एल माइनस जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, है ना। तो यहाँ थीटा और वी स्क्वायर में एक रिलेशन आ गया। अब अगला रिलेशन निकालने के लिए एफ बी डी बना देते हैं अपन पॉइंट इस पर। इस पर अपन ने एफ बी डी बना दिया। टेंशन किधर लग रहा है? इधर, जिसकी वैल्यू ज़ीरो करनी है हमें। एम जी लग रहा है इधर, और इस एंगल को थीटा माना है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। एम बी एम जी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेंटर की तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, जिससे कोई मतलब नहीं है। सो एम जी साइन थीटा विल बी एम वी स्क्वायर बाय एल। तो एम से एम कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? जी एल साइन थीटा। सो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया अब ले जाके, जो यहाँ पे इक्वेशन थी, क्या आएगा? हाफ जी एल माइनस जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे जी एल साइन थीटा। सो दिस इज हाफ जी एल इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2 जी एल साइन थीटा। सो जी एल से जी एल कटा, 2 से 2 कटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3, ठीक है। तो ये साइन थीटा निकल के आ गया। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन थीटा को, तो वी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज जी एल साइन थीटा इज 1/3, दैट इज जी एल बाई 3। अब आंसर क्या है वो तो लिख ही चुके हैं अपन। वो क्या है? एल प्लस एल साइन थीटा प्लस एच मैक्स। तो एच मैक्स निकाल लेते हैं फटाफट। सो वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ वी नो साइन थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये हो गया अपने पास 1 माइनस 1/3 का अंडर रूट, 1 माइनस 1/9 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 8/9 का अंडर रूट। सो 8/9 का अंडर रूट, लेकिन हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 8/9। उठा के रखा यहाँ पे, वी स्क्वायर कितना है? वी स्क्वायर है जी एल बाई 3। सो वी स्क्वायर इज जी एल बाई 3, कॉस स्क्वायर थीटा इज 8/9। सो 8/9, 2 is 2 एंड जी इज जी। तो जी से जी कट गया, क्या बचा फाइनली? 2 से ये 4 कट गया, तो ये आ गया 4/27L। सो जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के पार्ट से आई है एच मैक्स, दैट इज 4/27। यहाँ से जो आंसर है वो क्या होगा? एल का कोफिशियंट 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? साइन थीटा की वैल्यू आई है 1/3, और एच मैक्स निकल के आया 4/27। तो दिस इनटू एल इज द आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 27 आ गया एलसीएम। फिर यहाँ 27 + 9 + 4 × L इज इक्वल्स टू, तो 13 और 27 = 40, 40/27L, ये आंसर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। सो साइन थीटा तक वैल्यू सही आ गई थी सर, फिर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई सर? इक्वेशन सही नहीं लगाई थी वो एच मैक्स वाली। कौन सी वाली सर? हाइट वाली एच मैक्स। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्टेड। क्यों गलत लगाई थी? फॉर्मूला याद नहीं रहा था क्या? हाँ सर। तो देखो, जहाँ भी गलती हो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको फिर सील कर दो कि वो गलती फिर दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ जो तुम्हें अभी ट्राई करने हैं अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी क्वेश्चन लिख लो और पूरे शिद्दत के साथ उन्हें ट्राई करो। ये अपने पास एक ऐसा कुछ अजीब से शेप का स्लाइड है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और दिस इज स्मूद ट्रैक, दिस इज परफेक्टली स्मूद, ठीक। यहाँ पे मास एम है छोटा सा,
और ये जो है ये हाइट एच है, एच हाइट पर है मतलब शुरुआत में वो, तो इसको स्लाइड करेंगे तो, और ये सर्कुलर मोशन जैसा है जिसका सेंटर यहाँ पर है ठीक, जिसकी रेडियस आर है। तो ये एकदम शुरुआत वाला पॉइंट है जब सर्कुलर मोशन शुरू हुआ, और ये वाला टॉप पॉइंट है उसका ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट ब्लॉक कंप्लीट्स द सर्कल, ब्लॉक कंप्लीट्स द सर्कल। एच की वैल्यू बतानी है कि ब्लॉक कंप्लीट कर जाए सर्कल को। सेकेंड पार्ट इज इफ स्मॉल एच इज इक्वल्स टू 3R, देन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, देन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ब्लॉक इज एट पॉइंट्स ए एंड बी, इज एट पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पर जब है वो तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ एच इज इक्वल्स टू 2R, देन फाइंड द वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एसेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लीव्स, व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट, व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट विथ द ट्रैक, विथ द ट्रैक है ना। तो जब वो कॉन्टैक्ट लूज कर जाए ट्रैक से तब बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा जिसको तुम्हें करना है, तो इतना भी क्वेश्चन लिख के छोड़ दो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखो सिचुएशन है अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर ब्रिज, ओवर अ सर्कुलर ब्रिज, ओवर अ सर्कुलर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इट्स सेंटर। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड सो दैट द कार कैन क्रॉस द ब्रिज, द कार कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग द कॉन्टैक्ट एनीवेयर, विदाउट लूजिंग द कॉन्टैक्ट एनीवेयर ठीक है। क्या सिचुएशन है? कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये ट्रैक है ना, तो ये क्वार्टर ऑफ सर्कल जैसा ट्रैक है। दोनों पॉइंट से अगर रेडियस खींचे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ठीक है। तो यहाँ पे उसको ट्रैवल करना है कार को, तो अब हमें बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बता दो इस ट्रैक पे सो दैट उसका कॉन्टैक्ट कहीं लूज ना हो ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, अब आ गए तीसरे क्वेश्चन पे कि हमारे पास एक फिक्स्ड स्मूथ हेमिस्फीयर है, दिस इज फिक्स्ड स्मूथ हेमिस्फीयर ठीक है, और जिसकी रेडियस आर है, और उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम ठीक है। तो ये परफेक्टली स्मूथ है, तो यहाँ पे लिखो सिचुएशन पार्टिकल इज गिवन,
पार्टिकल इज गिवन negligible speed at the topmost point. So find the angle with the vertical at which it will lose contact with the hemisphere with the hemisphere. तो जैसे ही इसको धक्का देंगे तो ये ऐसे स्लाइड होना शुरू होगा और एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज़ कर जाएगा. लेट्स से यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज़ कर गया, ये ऐसे यहाँ तक तो कॉन्टैक्ट में आया, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट लूज़ कर गया. तो ये वाला एंगल बताना है, वर्टिकल एंगल थीटा. ठीक है, थीटा अल्फा जो भी तुम्हें मानना है वो मानना. कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि जैसे ही उसका स्लाइडिंग ख़त्म हो रहा है, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है, वैसे ही नॉर्मल ज़ीरो हो जा रहा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारे पास एक ट्यूब है, दिस इज़ अ ट्यूब. ठीक है, और इसमें एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर जो ट्यूब है उसकी इनर रेडियस कैपिटल आर है. ठीक, और इसको, इस पार्टिकल को यू वेलोसिटी दी गई जिसका मैग्नीट्यूड है √4gr. ठीक है, एंड दिस इज परफेक्टली स्मूथ फिक्स्ड ट्यूब, यानी कि फ्रिक्शन का कोई कंसिडरेशन नहीं है. सो राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम आउटर ट्यूब, उसको बोल दो N1, एंड इनर ट्यूब उसको बोल दो N2, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है ना, लेट्स से ये थीटा है, तो बॉल यहाँ पहुँची होगी. तो इस बॉल का इस मोमेंट पर अगर अपन FBD बनाएंगे तो क्या होगा, इनर वाला ट्यूब इसको बाहर धकेल रहा होगा, उसको बोला गया है N2. आउटर वाला रिंग इसको अंदर धकेल रहा होगा, उसको बोला गया है N1. और भी फोर्स लगेंगे इस पर, जैसे MG, क्योंकि वर्टिकल सर्कल में. सो अवर टारगेट इज़ टू फाइंड N2 एंड N1 एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हमें N1 और N2 की वैल्यू बतानी है. आ रही है बात समझ में? तो ये चार क्वेश्चन ट्राई करो, मतलब फुल शिद्दत के साथ ट्राई करो. दे आर नॉट वेरी इजी, बट तुम अगर कॉन्सेप्ट्स विजुलाइज कर पा रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, सो तुम समझ जाओगे. भले ये गिरते पड़ते सॉल्व करो, लेकिन कर दिए अगर तुमने ये सॉल्व, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी सर्कुलर मोशन की. तो अभी सॉल्व करो.